नमस्कार दोस्तों, आज फिर से जराने कॉक पांदा। जराने कॉक पांदा मतलब वॉयस ऑफ द टाइम, मतलब अभी मौजूदा हालत में जो हमारे देश की जो हालत है या हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो हालत है और त्रिपुरा का जो हालत है CAB को लेके, अभी वो CAA एक्ट बन गया। तो इस मौजूदा हालत पर नेशनल वो त्रिपुरा का रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेटिव और कुल हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हो के नेशनल मीडिया में आवाज़ उठाया है हमारा महाराजा प्रद्युत विक्रम देव वर्मा। तो मौजूदा हालत पे CAA के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी किया है महाराजा प्रद्युत विक्रम देव वर्मा ने। तो अभी हमारे साथ है कॉक त्रिपुरा के साथ है हमारे महाराजा त्रिपुरा के महाराजा प्रद्युत विक्रम देव वर्मा। हम मौजूदा हालत पे ही बातचीत करें, आज जानने की कोशिश करें क्या स्थिति है। महाराजा फिर से लामसोगो और वेलकम टू कॉक त्रिपुरा। अभी जो मौजूदा हालात में जो CAA का स्टेटस आपने आवाज़ उठाया नेशनल चैनल में, आप नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेटिव होके इतनी आवाज़ आपने उठाई, पहले हम नॉर्थ ईस्ट का या इंडिया का कोई ऐसा नहीं, हिंदू होके भी जो CAA के खिलाफ जो हमने मतलब आपने आवाज़ उठाया, तो इस आवाज़ को इंडिया में कितने लोग सुन पाए और जो केंद्रीय सरकार है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो सरकार है, ये आवाज़ को सुन पाएगा या सुप्रीम कोर्ट तक ये रुक जाएगा, क्या लगता है CAA को? देखिए, पहला बात है कि पूरा इंडिया में एक गलत परसेप्शन चल रहा है कि CAA हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। सबसे पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट में और त्रिपुरा में जो बांग्लादेश से हिंदू आया है इल्लीगली, वो भी बांग्लादेशी है, इंडिया का नहीं है। और जो मुसलमान इल्लीगली आया है वो भी बांग्लादेशी है, हिंदुस्तान का नहीं है। तो हमारा स्टांस क्लियर है कि हम धर्म भाषा के आधार में CAA और NRC को नहीं देखते हैं। जो इस देश का नहीं है, जो इस राज्य का नहीं है, जो बाहर से बांग्लादेश से आया है इल्लीगली, जो लीगली आया है उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इल्लीगली आया है उनको हम देश का नागरिक नहीं मान सकते हैं, और अगर उनको रखना भी है तो एक राज्य इतने लोगों को नहीं रख सकता, आप उनको अलग अलग करके अलग अलग स्टेट्स में रखिए। ये हमारा क्लियर डिमांड है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। और ये बात जाना दिल्ली में बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि न्यू दिल्ली को एक अलग सा सोच है कि अरे ये जो विरोध कर रहे हैं CAA का वो हिंदू विरोधी है। तो मैंने कहा मैं खुद ही हिंदू हूँ, मेरा परिवार 800 साल 1000 साल से हिंदू रहा है। हमारे नाम में मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी हो, मंगल चंडी हो, केर हो, गरिया हो, सुब्राई हो, खार्ची हो, हम क्यों हिंदू के खिलाफ जाएंगे? लेकिन एक राज्य में हम इतने लोग बाहर से नहीं रख सकते, तो ये मैंने पॉइंट रखा। और क्योंकि सब बहुत लीडर लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, वो अब चुप बैठे हैं। तो जब मैंने बात किया तो मुझे सपोर्ट बहुत मिला, असम से बहुत सपोर्ट मिला, मेघालय से सपोर्ट मिला, अरुणाचल प्रदेश से मिला, मणिपुर से मिला, नागालैंड से मिला, सिक्किम से मिला। तो मुझे लग रहा है कि एक माहौल बन रहा है जहां में लोग समझ रहे हैं कि जो त्रिपुरा में हुआ है वो उनको उनके साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन उदाहरण बन गया, हाँ, एक एग्जाम्पल बन गया सबको कि वो दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना चाहता। मैं उनको कह रहा हूँ कि दूसरा त्रिपुरा इसके लिए बना क्योंकि देश के सरकार ने, कांग्रेस का समय भी और BJP का समय भी और जब CPM का शासन था तब भी, हमारे संग अन्याय हुआ है। हम त्रिपुरासा लोगों के संग अन्याय हुआ है, इंडिजिनस लोगों के साथ अन्याय हुआ है, आज असम के संग अन्याय हो रहा है, मेघालय का संग अन्याय हो रहा है, और ये जो केंद्र सरकार है हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो बुबाग्रा, अभी तो त्रिपुरा में एक हालत है और कुल भारत हिंदुस्तान में और एक हालत है। आप तो देखे होंगे, आप सुने भी होंगे, हिंदुस्तान में पश्चिम बांग्ला में भी इसका अपोज हो रहा है, त्रिपुरा में भी अपोज हो रहा है। तो त्रिपुरा में जब जो जॉइन
जैन मूवमेंट एजेंसी एबी का जो बंद किया था, यहाँ प्रोटेस्ट रैली किया था, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई, यहाँ एक मर्डर भी हुआ और कुछ जान माल का भी नुकसान पहुँचा। तो हर स्टेट में, वेस्ट में, हर स्टेट में प्रोटेस्ट, और त्रिपुरा के सिचुएशन अलग हो जाते हैं क्यों? आपको क्या लगता है त्रिपुरा में? और मुझे मीडिया में काम करने के तहत मुझे ऐसा लग रहा था और दो तीन दिन अगर यहाँ बन रहता, इंडिफिनिट बन अगर होता तो यहाँ कम्युनल एक रायड हो जाता, ऐसा फीलिंग्स होते, क्यों होता है ऐसा? देखो, सबसे पहले कि हम मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल और त्रिपुरा का तुलना नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ में प्रशासन इंडिजिनस लोगों के हाथ में नहीं है। तो जब भी इंडिजिनस लोग आंदोलन करेंगे तो एक सेंटिमेंट रहता है कि इनको अभी इनका आवाज़ को दबाया जाए, तो ये एक सेंटिमेंट है, तो आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो मानना है कि हमको जो भी प्रोटेस्ट करना है, हमको अब सबसे पहले अपने एमपी और एमएलए के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये जो चाय बेचता है, जो टैक्सी चलाता है, जो दुकान खोलता है, बंगाली हो, मणिपुरी हो, मुसलमान हो, तिपरासा हो, इनको, मुझे नहीं लगता कि कोई बंगाली ने सीए डिमांड किया था त्रिपुरा में। ये तो मोदी जी के खुद दिमाग में आ गया कि कर दो त्रिपुरा में, कि इंडिया में कर दो, तो त्रिपुरा भी आ गया। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन ऐसा करना चाहिए जहाँ में कम्युनल टेंशन ना हो। लेकिन अगर कम्युनल टेंशन बढ़ता है तो प्रशासन का भी एक रोल रहता है कि कम्युनल टेंशन को कम करे। अब जब प्रशासन ही कभी कभी फेयर नहीं रहेगी तो ऐसा सिचुएशन निकलेगा। लेकिन इसमें मेरा पर्सनल व्यू है कि आप अपने एमपी को पकड़िए, अपने एमएलए को पकड़िए, क्योंकि उनको हमने वोट दिया, हमारा वोट से उनके पास लाल बत्ती आया, हमारा वोट से वो एमएलए बना, मिनिस्टर बना, मंत्री बना, एमपी बना, और आज चुप क्यों बैठे हैं? ये क्या बात है, ये क्या राज है? क्योंकि इलेक्शन के पहले तो सब बोलते हैं, कि कोई बोलता है तिपरा लैंड, कोई बोलता है कि थंचा, कोई बोलता है कि ये हम लोग का जन्मभूमि है, तिपरासा आई क्लॉकथोंग। तो पावर मिलने के बाद क्या हो जाता है हमारे एमपी और एमएलए लोगों को, मिनिस्टर लोगों को? तो हमारा जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन है, हमें आम जनता के ऊपर नहीं निकालना चाहिए। अपने विधायक, अपने एमपी से जाकर उनके घर के सामने लाउड स्पीकर लगा के उनके घर के सामने जाकर हमको रोज़ पूछना चाहिए कि ऐसा आपने हमारे संग क्यों किया, इतना गद्दारी क्यों किया? क्योंकि जब ये जो बिल पास हुआ, हमारा एमपी नहीं तो वोट किया पक्ष में, तो कल तो मोदी बोल के बोल सकता है कि अरे आप क्यों विरोध कर रहे हो, आपने तो अपने एमपी को चुना, आपका एमपी का चॉइस है ये। तो हमको भी अपने अंदर देखना चाहिए और हमको भी अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि तिपरासा लोग हमेशा गलत लीडर को क्यों इलेक्ट करते हैं? गलती हम में भी है। तो भूपाकर, अभी आपने हाल ही में रिट पिटीशन किया है सीए के अगेंस्ट में, त्रिपुरा का 3 रिट पिटीशन है, पातालकना और जीएमपी ने भी रिट पिटीशन किया है, तो कुल मिला के हिंदुस्तान का 30 करीब करीब 30 रिट पिटीशन हुआ। क्या लगता है आपको, इस रिट पिटीशन से कोई काम में आएगा या ये जीएमपी का जो रिट पिटीशन है वो बहुत अलग है हमारे साथ? जीएमपी का आर्टिकल 14 में है कि मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है। ये पूरा सीपीएम का एक वो है, ड्राफ्टिंग है। मेरा रिट पिटीशन में मैंने हिंदू मुसलमान का जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा है कि इंडिजिनस लोगों को आर्टिकल 15 के अंदर एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, वो आप नहीं दे रहे हैं। दूसरा बात है, आपने TNV अकॉर्ड का सम्मान नहीं किया, आपने ATTF अकॉर्ड जहाँ में 1971 ऑफ कट ऑफ ईयर रखा उसका भी आपने नहीं किया, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसमें कंचन प्रभा देवी ने खुद साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हमें कहा गया था, कंचन प्रभा देवी को कहा गया था, मेरे पिताजी महाराजा किरीट विक्रम को कहा गया था कि तिपरासा का जमीन, सभ्यता, कल्चर, भाषा का सुरक्षा देश का सरकार करेगा, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, कहा था। आज आपने उसी प्रॉमिस को, उसी वादा को आपने तोड़ दिया आपने 2014 करके। तो ये रिपीटेडली 1948 में आपने हमारा आश्वासन को तोड़ा, आपने 87 का TNV अकॉर्ड का आश्वासन को तोड़ा, आपने 91 का ATTF का, 92 का, 93 का आपने ATTF अकॉर्ड का आश्वासन तोड़ा है। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो हम देश के सरकार से क्यों विश्वास करें, हम क्यों विश्वास करें? तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है।
और इसी आधार में हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस जीएमपी से बहुत अलग है और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस भेजा है। अब सेंटर को जवाब देना पड़ेगा कि आपने अग्रीमेंट क्यों साइन किया जब आप वो अग्रीमेंट को तोड़ते हैं हमेशा, और एक अग्रीमेंट नहीं तीन तीन अग्रीमेंट साइन किया आपने। तो कितने कारगर रहेगा आपका जो पिटीशन या पातल कन्या का पिटीशन और कुल मिला के हिंदुस्तान के जो पिटीशन हुआ है केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशर? हमारा पिटीशन सबसे अलग है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कोई उसका चैलेंज नहीं कर सकता, मैं ही चैलेंज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंड मदर और मेरे फादर उसमें मेंशन्ड है, कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो मेरा स्पेसिफिक ही है और आर्टिकल 15 और ये जो त्रिपुरा कोड है वो भी मेरा रिट पिटीशन में है। जहाँ तक पाताल कन्या का रिट पिटीशन है, उन्होंने भी कहा है कि ये उनका भी एक मेरे पाताल कन्या से मेरा बात हुआ, वो भी इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट ही कर रही है, मैं भी उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा हूँ। और जीएमपी का बात है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकली अपना लाइन लेंगे क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है। मैं हर चीज़ को इलेक्शन से लिंक नहीं करना चाहता हूँ, मैं तिपरासा का सोल्यूशन लेकर आना चाहता हूँ और मैं सीएए दिल्ली से रोकना चाहता हूँ त्रिपुरा में, जब तक हमारा सुरक्षा का गारंटी ना हो। बुबागरा, अभी कुल हिंदुस्तान जल रहा है सीए के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है, आपका रिट पिटीशन का जो कितना कारगर रहेगा सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को रोकने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशर करने के लिए इम्प्लीमेंट मत हो? हिंदुस्तान का इशू अलग है, नॉर्थ ईस्ट का इशू अलग है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का ये बात हो गया है और जो आसाम में प्रोटेस्ट कर रहा है सीए के खिलाफ वो भी हिंदू है, जो त्रिपुरा में प्रोटेस्ट कर रहा है सीए के खिलाफ वो भी बहुत तिपरासा लोग हिंदू हैं, मणिपुर में जो प्रोटेस्ट कर रहा है सीए के खिलाफ मैते लोग वो लोग भी हिंदू हैं। तो ये हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में हमारा इशू एकदम क्लियर है कि जो भी बांग्लादेश से इंडिया आया है हमारे राज्य में, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो लीगल नहीं है तो उनको हम अपने स्टेट में राइट्स नहीं दे सकते, ये हमारा क्लियर बात है। तो हिंदुस्तान के संग मैं लिंक नहीं करूँगा और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये हिंदुस्तान के संग लिंक हो, क्योंकि मैंने मोदी जी को कहा है, अमित शाह को कहा है कि आप नॉर्थ ईस्ट को एग्जाम कीजिए सीएए से, हमने तो पहले से इतने लोगों को रखा है, आप गुजरात में रखिए, आप मध्य प्रदेश में रखिए, पंजाब में रखिए, त्रिपुरा नहीं रख सकता और हमने पहले से बहुत रखा है, अब आप भी थोड़ा रख लीजिए, ये हमारा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बोल रहा था कि यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा था तब बीच में ही प्रोटेस्ट को रोक के होम मिनिस्टर के साथ जाके मिला और कुछ नेगोशिएशन हुआ, बाद में आप हमने सोशल मीडिया में देखे आप भी पाताल कन्या के साथ जाके होम मिनिस्टर से मिले, IPFT भी जाके मिले, तो अलग अलग से जो आप लोग मिल रहे त्रिपुरा को रिप्रेजेंट कर रहे, तो क्या ऐसा मैसेज दे रहे थे कि होम मिनिस्ट्री से जो सीए एक्ट होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद भी त्रिपुराशाओं को त्रिपुरा स्टेट को अलग से देखा जाए या अलग से कुछ प्रावधान रखे या एग्जेम्प्टेड, ऐसा कुछ मैसेज आया? अमित शाह हमें बुला रहे हैं बात करने के लिए, तो चाय पीने के लिए तो बुला रहे नहीं है। हाँ, अगर आपने बिल पास किया और फिर से हमको बुलाया है, इसका मतलब है कि हमारा जो कंसर्न है उनको भी थोड़ा समझ में आ रहा है कि कुछ जेन्यून कंसर्न है। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप हिंदू को मत रखिए, हम बोल रहे हैं कि हमने पहले से बहुत हिंदू बंगाली को रखा है, हमने पहले से बहुत मुसलमान बंगाली को भी रखा है, अब हम और नहीं रख सकते, हमारा पॉपुलेशन स्टेट का पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका है, आज हमारे पास नौकरी नहीं है, आज हमारे पास हॉस्पिटल में पलंग की कमी है, डॉक्टर की कमी है, शिक्षा का प्रॉब्लम है, हमने पहले से इतना कर लिया है, आपने दूसरे स्टेट्स में आप दूसरे स्टेट्स में रखिए, त्रिपुरा से ले जाइए, आपको क्या आपत्ति है, आपका तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, आप रखिए, हम और नहीं रख सकते। तो उन्होंने हमें बुलाया, बोला कि आपका क्या प्रॉब्लम, मैंने कहा आप ये बिल को हमारे स्टेट में इन्फोर्स और हमारे रीजन नॉर्थ ईस्ट में इन्फोर्स मत कीजिए, ये मैंने क्लियर बात कह दिया है उनको। हाँ, उन्होंने अलग अलग से मेवार कुमार जमातिया और IPFT के डेलीगेशन को बुलाया, जॉइंट एक्शन जो ग्रुप था जो MACA के खिलाफ
एंथनी देव वर्मा, विजय रांगखोल, जगदीश देव वर्मा, उनको बुलाया, वो लोग गए, टीएसएफ के लोग थे, वो अलग से मिले, मैं अलग से मिला, पतल कन्या मेरे संग थी, वो मेरे संग आई, अलग से हम लोग मिले। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है, सब ने कहा है कि हम सीएए को त्रिपुरा में लागू नहीं करना चाहते हैं, और मैंने ये भी कहा है कि अगर आपने लागू किया तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा। मैंने अमित शाह को कहा था, उन्होंने लागू किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में ले गया। और मैं फिर से आपके कॉक त्रिपुरा से बोलना चाह रहा हूँ कि अगले जनवरी से मैं सीए के ख़िलाफ़ फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर दूंगा। अच्छा। क्योंकि अमित शाह मिले ना मिले, प्रॉमिस है, आश्वासन है, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन मैं घर तो बैठ नहीं सकता हूं। तो हम अपना आंदोलन शुरू कर देंगे जनवरी से, फर्स्ट वीक से शुरू कर देंगे। मतलब आप जॉइन मूवमेंट अगेंस्ट सीएबी का जो बीच में रुक जाना कहते हैं आप उसके साथ एक नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट होना चाहिए। सिचुएशन टेंस था, कॉम्युनल होने वाला था, हमको कॉम्युनल टेंशन नहीं चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट करने का शांति का भी तो एक तरीका है, चुपचाप बैठकर घर में बैठने से प्रोटेस्ट नहीं होता। हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन एक जैसे कि हमने अपने त्रिपुरा से लोगों को भी जानना चाहिए कि सीए होने से क्या होगा, बंगाली को भी जानना चाहिए। आज बंगाली के घर में नौकरी नहीं है, आप उनको नौकरी नहीं देंगे। आज जब मलेरिया मच्छर जब काटता है तो वो त्रिपुरा और बंगाली को देख के नहीं काटता ना, मुसलमान। आज दवाई नहीं है आपके अस्पताल में, पलंग नहीं है, लोग मर रहे हैं। आप पहले ये फैसिलिटी तो हिंदुस्तान के लोगों को दीजिए, बंगाली हो, त्रिपुरा हो, मैतई हो, आप उनको दीजिए, मुसलमान हो उनको दीजिए। आप बांग्लादेश से आदमी को लाकर वही कर रहे हैं, अरे मतलब क्या होता है भाई। आज अगर उनको आपने सिटीजनशिप दे दिया, एक साल बाद वही बीएस, वही जो बांग्लादेश से पाँच साल पहले आया वो आपका बीएसएफ जवान होगा, वो क्या आपका बाउंड्री का सुरक्षा करेगा? आप मुझसे जवाब पूछिए कि एक बीएसएफ का जवान बन सकता है अगर वो सीए से पास होकर आया, वो कल बीएसएफ का जवान बनेगा, वो सीआरपीएफ जवान बनेगा, वो आपका पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, वो आपका एमएलए बनेगा, वो आपका मंत्री बनेगा, उनके दिल में हमारे लिए क्या प्यार रहेगा, ना कि जिस देश से वो आए हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम बंगाली को भी अफेक्ट करेगा, ये प्रॉब्लम मैतई को भी अफेक्ट करेगा। और हमने पूरा फैमिली प्लानिंग बोर्ड रखा है, मिनिस्ट्री फॉर फैमिली प्लानिंग रखा है। यहाँ में इंडिया में आप बोल रहे कि बच्चा मत पैदा करो, और आप बांग्लादेश से लाख लाख आदमी को लेकर आकर आप उनको वोटर बना रहे हो। अरे थोड़ा सा माइंड तो अप्लाई कीजिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉपुलेशन है। आप अपने लोगों को तो खाना नहीं खिला सकते हो, आप अपने लोगों को दवाई नहीं दे सकते हो, आप अपने लोगों को शिक्षा नहीं दे सकते हो, और बांग्लादेश से बोल रहे कि भाई कहाँ आ जाओ और ले जाओ हमारा सुविधा। ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, सबको समझना चाहिए। तो आप कब से, अगले महीने से आपका प्रोटेस्ट या आपका रैली शुरू, क्या किस किस फॉर्म में आप करना चाहें? मैं चाहता हूँ कि सेमिनार्स हो, वर्कशॉप्स हो, जहाँ में लोगों को पहले मालूम पड़े, पैम्फलेट्स किया जाए, सोशल मीडिया में आए, एक बड़ा रैली हो। लेकिन मैं बंद और रोड ब्लॉकेट के खिलाफ हूँ, क्योंकि इसमें आम जनता को कष्ट होता है। हम लोग डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बड़ा रैली कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल में कर सकते हैं, स्टेट लेवल में भी एक आंदोलन कर लेंगे। लेकिन मैं रोड ब्लॉकेड और कर्फ्यू और बंद या उसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इसमें आम जनता को कष्ट होता है। आज अगर हमको नाराज़गी है तो हमारे एमएलए हमारे एमपी के साथ है, क्योंकि वो सब आज अपने बंगलों में बैठे हैं, बंगले में सब बैठे हैं और सब चुप है, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। आज हमको लाउड स्पीकर लेके उनके घर के सामने जाकर बोलना चाहिए कि कहाँ गए। और ये जो नाराज़गी है ये बंगाली, त्रिपुरा, मणिपुरी, उसके ऊपर, मुसलमान के ऊपर नहीं निकाल के अपने विधायक, अपने एमपी के पास जाकर हमको कंप्लेंट करना चाहिए। आप कौन से बैनर लेके अभी मूवमेंट में जा रहे हैं या प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? आपका खुद, पहले तो हम लोग सुना था आपने खुद पॉलिटिकल पार्टी होगा मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। अभी जो आपने सोशल मीडिया पे ऐलान भी किया है कि आप सुशियो एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, उसी से
आप यू आर मोस्ट वेलकम, सब लोग को मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन माई ऑर्गेनाइजेशन। सुशियो जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खोले तो इसमें तो हम भी होंगे, सब भी होंगे, सब मीडिया भी इसमें। पॉलिटिक्स देखिए, जब बुबागरा तिपरासा के बारे बात करता है, इलेक्शन देख के नहीं करता है। मैंने एक पोस्ट लिखा था कि बुबागरा थिंक्स अबाउट नेक्स्ट जनरेशन, पॉलिटिशियन ओनली थिंक्स अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन। तो मैंने अपना एक संगठन खोला है, ऑफिशियली अनाउंस भी कर दूंगा जल्दी। ये पॉलिटिकल संगठन नहीं है, इसके लिए INPT के लोग भी आ सकते हैं, IPFT के लोग भी आ सकते हैं, CPM के लोग भी आ सकते हैं, TPF के भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, कांग्रेस के लोग भी आ सकते हैं, BJP के लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सोशो कल्चरल संगठन है और नाम है द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, मतलब TIPRA, द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस TIPRA। और ये TIPRA नॉन पॉलिटिकल सोशल कल्चरल मूवमेंट है, अपने दफा के लिए, अपने ज़मीन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए और अपना अधिकार के लिए। और इस संगठन के थ्रू मैं काम करूँगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं विजय रंगखोल के संग बात नहीं कर सकता हूँ, या मेवाड़ के संग बात नहीं कर सकता हूँ, या पताल कन्या के संग, या आगोर बाबू, या चित्त बाबू। ये मेरा खुद का एक संगठन है और मैं उसके थ्रू भी काम करूँगा। भागीरथ में पानी चाहिए, मैं वहाँ में पानी दूंगा। अगर छमनू में या थालछरा में अगर मेनिनजाइटिस आया है, ढलाई में मलेरिया का आउटब्रेक हुआ है, तो हम मेडिकल कैंप करेंगे। कहीं में अगर आंदोलन करना तो आंदोलन करेंगे, लेकिन हम अब अपना दोफा को एक रखकर आगे चलेंगे। अगले 8 तारीख को हमने सुना है एक रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, तो इस है तो अच्छा है। इसमें भी ये ऑर्गेनाइजेशन के बेस में, हाँ क्यों नहीं, और परमिशन, क्योंकि 8 तारीख को माधव बारी में आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले हमारे लोगों को गोली मारा गया। 8 तारीख को 1 साल होता है, किस प्रोटेस्ट में? CAB के खिलाफ। आज CA पास हो गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसी दिन महाराजा वीर विक्रम का माथा में भी मूर्ति में गोली मारा गया, हाथ तोड़ा गया महाराजा का। मैं भूला नहीं हूँ, और उसी दिन मैंने कहा था नुंग बुबागरा नो सिनी आँखो। कांग्रेस भी नहीं समझ सका, BJP भी नहीं समझ सका, CPM भी नहीं समझ सका, लेकिन अगर TIPRASA अगर मुझसे प्यार करता है तो वो समझ जाएगा कि अगर ब्रू का इशू हो तो मैं आगे था, पॉलिटिक्स नहीं था उसमें। CAA में मैं आगे आया हूँ, आगे भी मैं आगे जाऊँगा, क्योंकि मुझे थांचा चाहिए और हमें अपना TIPRASA का, ये राज्य का, हमारा जन्मभूमि का हमको अधिकार चाहिए हमारे पूरे दोफा के लिए। आपने कहा था आपका NGO जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, सोशियो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें INPT का, BJP का, IPFT सब लोग आ सकते हैं, उसके रिजाइन करके आना पड़ेगा ना, वैसे आप मेंबर हो सकने की, किस तरह से आप इनवाइट कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ क्या है? अगर आप आएंगे तो आप पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, आपको पहले दोफा के बारे, पुइला जाति उलो पार्टी, अगर आप पुइला पार्टी उलो जाति करके हमारा संगठन में आया तो आपके लिए दरकार नहीं है आने के लिए। पुइला जाति उलो पार्टी करके आइए, एवरीबडी इज़ वेलकम। जो आप क्रिश्चियन है आप घर में क्रिश्चियन है, हिंदू है आप घर में हिंदू है, बुद्धिस्ट है आप घर में बुद्धिस्ट है, मुसलमान है आप घर में मुसलमान है, लेकिन जब हमारे संगठन में आएंगे तो पहले आपको TIPRASA होना पड़ेगा। ये CPM, BJP, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, ये नहीं चलेगा। और जब मैं TIPRASA बोलता हूँ तो इसमें सब लोग इंक्लूडेड है, हमारे मॉग लोग भी इंक्लूडेड है, चाकमा लोग भी इंक्लूडेड है, अपने ब्रू है, दारलोंग है, काइपिंग है, सब लोग पुराने मणिपुरीज हैं, दे आर वेलकम ऑल्सो, जो अपने आप को इस स्टेट का असल हकदार मानते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। तो बुबागरा सिर्फ वहीं तक लिमिट रह गई और आगे भी कुछ सोचा है इस ऑर्गेनाइजेशन लेकर, जो अगला वो अगले जून जुलाई अगस्त में होगा इलेक्शन, DC का इलेक्शन होगा, उसके बाद विधानसभा होगा, उसमें अगर पार्टिसिपेंट भी करना हो, कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव को आप कैंडिडेट भी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ऐसा कुछ सोचा? हम लोग पॉलिटिकली नहीं जा रहे, हम लोग सोशली जा रहे, कल्चरली जा रहे। और आज अगर INPT और IPFT दोनों और TPF एक दूसरे को, अपना ईगो को छोड़कर एक हो जाए, तो बुबागरा अपने संगठन के साथ उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर ये लोग एक दूसरे से लड़ते रहे तो मैं कुछ करूँ या ना करूँ, एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ का जो TIPRASA का यूथ है
सेकला है, सिकली है, ये लोग खुद अपना पॉलिटिकल अस्तित्व बनाएंगे। लेकिन इस टाइम में पॉलिटिकल संगठन खोलकर मैं अपने CAA के मूवमेंट को डाइल्यूट करना नहीं चाहता हूँ। इसी के लिए मैं सबसे बात कर रहा हूँ, हो मेवार, हो विजय बाबू या जगदीश देव वर्मा या पतल कन्या या चित्तू बाबू या आघोर देव वर्मा, मैं सबसे बात कर, अनिमेश, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थानचा चाहता हूँ और मेरा ये संगठन है ये अपने दोफा के लिए काम करेगा और इसको सिर्फ इलेक्शन देकर नहीं काम करेगा, ये मेरा दायित्व बनता है। मैं भी वीर विक्रम का नाती हूँ, मैं अगर सिर्फ इलेक्शन देकर अपने तिपरासा को मदद करूँ तो मुझ में और दूसरे पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क रहेगा। मैं अपना मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है अपने लोगों के लिए और मैं अपने लोगों को प्यार करता हूँ। मुझे मैं MLA भी बना तभी भी बुबागरा का पोस्ट से नीचे है MLA, मैं मंत्री भी बना तो बुबागरा का पोस्ट से नीचे है, तो मैं अपना बुबागरा का पद को नीचे कर अपने लोगों को के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता, मैं अपने लोगों के लिए सबसे पहले काम करना चाहता हूँ। बुबागरा, मैंने सुने 22 जनवरी को हियरिंग होगा वो CA को लेके सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है उसमें क्या हो सकता है? नोटिस जाना चाहिए, उसके पहले मैं आशा कर रहा हूँ कि अमित शाह हमें बुलाए और हमसे बात करे। मेघालय का मुख्यमंत्री को बुला रहा है क्रिसमस के बाद, मैं आशा कर रहा हूँ कि हमें भी बुलाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप CAA को नॉर्थ ईस्ट से बाहर रखिए। देखिए, सब लोग हिंदू ट्राइबल बंगाली कर रहे, तिपरासा बंगाली कर रहा है, यहाँ का बंगाली ने तो एक बार भी नहीं कहा कि हमको CAA चाहिए, ये तो अमित शाह ने खुद ये बिल लाया है, यहाँ से तो कोई स्टेट इलेक्शन में ये बात भी नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के बंगाली को भी और कोई बांग्लादेश से किसी को ला के रखना है, क्योंकि पहले से यहाँ के लोगों के पास ही नौकरी नहीं है, यहाँ के लोगों के पास ही दवाई नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो ये बिल आप नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा में मत इन्फोर्स कीजिए, ये मेरा डिमांड है, और अगर आपने किया तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। शांति से करेंगे लेकिन आंदोलन ज़रूर करेंगे और ग्राउंड में होके करेंगे, घर में बैठ के नहीं करेंगे। तो बुबागरा, अभी त्यौहार का महीना चल रहा है, हाल ही में हमारा यहाँ त्रिंग हो गया है, कुछ अभी क्रिसमस है और सामने होगा न्यू ईयर का। आप हमारे तिपरासाओं का और त्रिपुरा के जो लोगों को और कुल इंडिया का विश्व का जो लोगों के क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे बुबागरा? नहीं, मैंने तो इस साल त्रिंग को मैंने कहा कि मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगा, ये माहौल ही नहीं है सेलिब्रेट करने का। क्रिसमस भी सबका त्यौहार है, मैं सबको विश करता हूँ मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। लेकिन पर्सनली मेरे घर में भी लॉस हुआ है, मैं एक हमारा आंदोलन में लोग भी मरे हैं, घर भी जला है, दुकान भी जले हैं, दोनों तरफ से आदमी को कष्ट हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वातावरण में मैं कोई सेलिब्रेट करूँ, लेकिन जिसको अपना त्यौहार सेलिब्रेट करना है मैं सबको विश करता हूँ। लेकिन हमको एक चीज़ माइंड में रखना चाहिए कि आज हमारा परिस्थिति ऐसा है क्योंकि हम हमेशा एक दो महीने के बाद हम ठंडा हो जाते हैं, और हमको भी एक चीज़ याद रखना चाहिए, आज हम लोग इतना रो रहे हैं, ये स्थिति क्यों आया है? क्योंकि जब इलेक्शन के टाइम BJP ने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर हम जीतेंगे तो CAA लाएंगे, क्रोनोलॉजी भी बोल दिया था कि CAA, हाँ उन्होंने बताया, तभी भी हमने वोट किया। आज हम लोग बोल रहे हैं, हमको फ़ोन आता है, बुबागरा बचाओ, अरे आपको तो मालूम था तो आपने वोट क्यों किया तब अगर आप इसके खिलाफ थे? हमको भी समझना चाहिए कि हमारे लोग थोड़ा त्यौहार में थोड़ा चौक के लिए पैसा के लिए अपना वोट बेच देते, हम लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। आज जो ये स्थिति है ना, ये आपका स्थिति कोई बाहर के लोग ने नहीं किया, हम लोग ने खुद किया है, हम भी अपना वोट सोच समझ के नहीं करते। तो थैंक यू बुबागरा, जोराने कोकपांदा में आपने बात की। ये रहा हमारा त्रिपुरा का महाराजा महाराजा प्रद्युत विक्रम देव वर्मा, जो मौजूदा हालात में CAA लेके बुबागरा ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, वो भी शांतिपूर्ण तरीका से और डेमोक्रेटिक वे से। तो अगले 1 जनवरी नए साल में बुबागरा का मूवमेंट, बुबागरा का प्रोटेस्ट वो शुरू हो जाएगा, और वो सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम त्रिपुरा में सभी लोगों को, सब
कम्युनिटी को और सब ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं होता है कि आप लोग भी जुड़ जाए और इसमें दफा और हदा के लिए काम करें। ये रहा हमारा जौरानी कोकपांदा, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।